ये ट्रस्ट को लेकर जिसका ट्रस्ट का गठन पहले होना है मंदिर निर्माण वो वो कह रहे हैं कि लगभग साल का समय लगेगा इसीलिए क्योंकि अयोध्या में भी जो कार्यशाला थी वो चलती रही राजस्थान में भी वो चलती रही कि पत्थर का निर्माण रुके ना कटाई होती रहे बनते रहे सब और आखिरकार जाकर उसे वहां पर जन्मभूमि पर जाकर वहां पर मंदिर का निर्माण होना है लेकिन उससे पहले जिस ट्रस्ट का निर्माण होना है वो जिन परिस्थितियों में होगा और वो जिस तरह का होगा उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में क्या कुछ सवाल है आपके मन में कुछ है कि कौन रहे कौन न रहे देखिए इसमें जो भी नया ट्रस्ट बने उसमें बुद्धिजीवी हो और अनुभवी हो जिसे इस प्रकार की पूरी जानकारी हो मंदिर संबंधी और जो वास्तविकता स्वरूप है धर्म का उसका ज्ञान हो ऐसे लोग उसमें मिलेंगे तभी शांतिपूर्वक भव्य दीप मंदिर का निर्माण हो सकेगा इसलिए जो ट्रस्ट बन बनना है उसमें जैसा कि हमारे आचार्य जी ने श्री धर्मेंद्र जी ने कहा है कि पहले से ट्रस्ट बना हुआ है इस ट्रस्ट में लोगों का जैसे हमारे न राज्य सरकार न केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है और जो नया ट्रस्ट बनेगा उसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के भी उसमें प्रतिनिधि होंगे इस प्रकार से ये भव्य और बहुत विशाल और बहुत अनुभवी के लोगों का यह उसमें जोग रहेगा संजोग रहेगा इसलिए यह जो ट्रस्ट बनेगा वो अद्भुत ट्रस्ट भी होगा और जैसा कि ये कल्पना किए हैं हमारे राम भक्तों ने और हमारे आचार्य जी ने कि वह मंदिर बनेगा वो विश्व का अद्वितीय मंदिर होगा और जिसको देखने के लिए विश्व के पर्यटक आएंगे और उसको देख करके सब कहेंगे कि यदि कोई मंदिर है तो अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर है इसलिए इस प्रकार का मंदिर बनेगा और इसी से हमारे भक्तों के और आने वाली जो ट्रस्ट है उसकी भी यही कल्पना है इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि ट्रस्ट किस रूप का बनेगा और किस प्रकार के मंदिर बनेगा मंदिर बनाने के लिए और जिस रूप में बनाना उसकी कल्पना है वो कल्पना साकार होगी और सभी लोग मिल कर के सभी भक्तों का सहयोग होगा और वह भगवती मंदिर बनेगा जो विश्व का अद्वितीय मंदिर होगा लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना कि उसका आगे किशोर कुणाल जी आ, मैं ये पूछ रही हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यह हो जाती है कि अगर उसके स्वरूप की बात होती है और वो कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों को होना चाहिए बुद्धिजीवियों की परिभाषा अलग अलग लोगों की अलग अलग हो जाती है आपको लग रहा है कि कुछ अंदर कहीं ऐसा पशुपेश या कुछ खींचतान ऐसी तो नहीं है जिस कारण इस ट्रस्ट का गठन नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक तो यही था ना कि फैसला आ जाए उसके बाद तो बस अगले दिन से काम शुरू है ऐसा है जो लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन सबों का प्रतिनिधित्व इस ट्रस्ट में होना चाहिए ये पहली कसौटी होनी चाहिए उसके बाद जो लोग इसमें और ढंग से सहायक हो सकते हैं कोई आर्किटेक्ट हो सकते हैं जैसा कि आचार्य सतन दास जी ने कहा कि बुद्धिजीवी हो सकते हैं वो सब बाद में मिलकर के एक ट्रस्ट का गठन होना चाहिए राम जन्मभूमि न्यास का सबसे बड़ा अधिकार बनता है लेकिन उसके साथ एक कानूनी अड़चन है कानूनी अड़चन है कि जिस एक्ट के अंदर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था उस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार यह जमीन उसी को दे सकती है जो एक्ट बनने की तिथि के बाद इसका गठन हुआ हो यानी जनवरी उन्नीस के बाद जिस ट्रस्ट का गठन है उसी को दिया जा सकता है इसलिए कानूनन इसको नहीं दिया जा सकता लेकिन राम जन्मभूमि न्यास में जो लोग हैं उनको रखते हुए और जैसा कि आचार्य जी ने जैसा सुझाव दिया उन लोगों को कुछ मिला करके एक ट्रस्ट का गठन हो और उसको ही दिया जाना चाहिए यही ट्रस्ट के गठन के बारे में मेरा सुझाव है दूसरा सुझाव यह है कि हम लोग रामायण पढ़ने वाले हैं भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करने वाले हैं रामायण की आत्मा त्याग है तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो त्याग की भावना रखें राम जी की सेवा उनकी पूजा अर्चना से भी हो सकती है न्यास के सदस्य होने से भी हो सकती है तो त्याग का भाव रखेंगे तो कहीं कोई भी बात नहीं होगा इतना ही देखिए ना कि भरत जी को सिंहासन मिला भी लेकिन उनका खड़ा राम जी का खड़ाओं ही वहां पर रखा गया कंदुक की तरह दोनों भाइयों ने अयोध्या की गद्दी को हाँ। एक पाले से दूसरे पाले में फेंकते रहे विश्व इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिले